हमें गिराया गया, हम फिर खड़े हो गए। हमें छोटा बताकर क्या वो बड़े हो गए। हम चलते हैं ताऊ की तरह संघर्ष के रास्ते पर। साथियों, 5 साल के अंदर लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। आज इनके पास, बीजेपी वालों के पास, दो ताकतें हैं। एक ताकत है मनी पावर, पैसे की ताकत। साथियों, ये तो सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि 2017 के इनकम टैक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी में लिखित में माना है कि हमने 1000 करोड़ रुपया चंदे के तौर पर वसूल किया। साथियों, 1000 करोड़ रुपया तो हम सब मिलकर अपनी जमीनें बेचकर भी करें तो भी शायद पूरा नहीं कर सकते। तो इनकी पैसे की ताकत के आगे तो आप नहीं लड़ पाओगे। और दूसरी ताकत है इनकी मीडिया की ताकत। साथियों, 6 प्रदेशों में बाढ़ आई, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, मगर उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। साथियों, हमारे पड़ोस दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, 516 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, रातों रात उसको जगह से हटा, गायब कर दिया गया, मगर एक खबर भी किसी राष्ट्रीय चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली। साथियों, आप खुद उठाकर देखो आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है। दिन प्रतिदिन हजारों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आज धंधे बंद हो रहे हैं लोगों के, मगर क्या कोई टीवी पे उसका प्रचार दिखता है? मगर टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है, भाई मोदी तो अमेरिका जा लिया, मोदी तो ट्रंप के जप्पी पा लेगा, मोदी तो न्यू कर लेगा। मगर एक चीज बता दूं, ये समझण की बात है, ये मोदी सिर्फ फोटो खिंचाने का रह जाएगा। अगर करता मोदी तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था, बताओ हरियाणा के लिए के दे के गया, के हरियाणा के बालकों की नौकरियों का वादा कर कर गया। क्या हरियाणा जो अपराध के नाम तौर पर आज प्रदेश नहीं देश के अंदर 4th नंबर पर आता है, क्या यहाँ हमारी माताओं बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा के गया? पर एक चीज जो 5 साल पार्लियामेंट में भी रह कर देख ली, और भाई 3 महीने पार्लियामेंट से बाहर हो लिए, इसके दौरान भी देखी है कि एक चीज के आगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, और वो चीज है मोदी की फोटो की ताकत के आगे। मगर साथियों, एक चीज समझने की है, जो आज हालात देश के, ये बीजेपी 303 सांसद लेके ऊपर गई और हरियाणा में नारा दे दिया 75 पार करेंगे। साथियों, इनको याद दिला दो कि 1984 के अंदर जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 411 सांसद कांग्रेस के जीत के आए थे, और हरियाणा में नारा दिया जाता था कि भाई एक सीट भी विपक्ष की नहीं छोड़ेंगे, ये नारा दिया गया था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे, इनको पता है, बहन कुमारी फूलवती जी बैठी है, ये तो पहली पदयात्रा जो चौधरी देवीलाल जी ने करी थी, शायद उस समय 16 साल की उम्र की थी, तब चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ कर दिल्ली तक उनके साथ गई थी। साथियों, इनने वो दौर देखा है जब लोग डरा करते थे, क्योंकि टीवी पे इतने चैनल नहीं हुआ करते थे, केवल मात्र दूरदर्शन और रेडियो में प्रसार भारती होता था। उस समय ये बातें जन जन तक पहुंचाने का किसने काम किया? साथियों, जो तीसरी ताकत है, जो बीजेपी के पास नहीं है, आपके पास है, वो कार्यकर्ताओं की शक्ति, मैन पावर है। इस बीजेपी की मनी पावर, मीडिया पावर के आगे अपनी मैन पावर दिखाने का काम करो। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष जगरूप सिंह जी बैठे हैं। जब मैं पहली बार प्रचार में गया और मेरे को मिले, तो मैंने पूछा, प्रधान जी, आपने राजनीति में कार्यकर्ता के बतौर कैसे काम किया? कहता, पुत्र, मेरी तो एक गल थी कि चौधरी देवीलाल दा चुनाव सी रोड़ी च, और मैं गड्डी लेके बुनियादी करदा सी, और शाम नू पोस्टर लांदा थी। साथियों, ये मैन पावर थी जो 1987 में बुनियादी और पोस्टरों से हर मोर चौक तक, हर घर तक पार्टी का प्रचार कर कर आई थी। और आज भी आपसे आग्रह करता हूँ कि उस मैन पावर, मनी, उस मीडिया पावर और मनी पावर के आगे आज आपकी जरूरत है कि घर घर जाओ, एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक
चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचा कर आने का काम करो। और आप देखना जो खट्टर साहब ने, जो हुड्डा साहब ने 15 साल जो चंडीगढ़ के ताले बंद करके रखे किसान कमेरे के लिए, आपकी चाबी उन ताड़ों को खोलकर सेक्रेटरीट की चौथी मंजिल पर जाने का अधिकार देगी। साथियों, एक बहुत जरूरी चीज है और मैं इतिहास से उस चीज को देखता आया हूं कि जनता का जुड़ाव कैसे होता है। मैंने अभी हफ्ता पहले बहादुरगढ़ के कानोंदा गांव में एक सभा के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक में जाने का मौका मिला और वहां पर स्वर्गीय रणधीर नंबरदार जी की धर्मपत्नी मेरे पास आई और आकर अपने हाथ से एक 2000 का नोट देगी और कह के गई कि बेटा तूने कहा था कि एक वोट और एक नोट के साथ संगठन में अपना सहयोग करने का काम करो। साथियों, हमारे पास कोई पूंजीपति विधायक के उम्मीदवार नहीं। आप सोचो कि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग हम ले आएंगे। आज अनूप जी को देख लो, पृथ्वी जी को देख लो, राजदीप जी को देख लो, ये आम घर से थे, मगर इनने डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के साथ संघर्ष किया और इनको जनता ने साथ देकर विधानसभा तक भेजने का काम किया। आज चाहे श्याम सुंदर सबरवाल हो, आज ऐसी सीट पे जनरल साथियों की जिम्मेवारी बनती है कि आर्थिक तौर पर उसकी मदद करो। आज मैं कमलेश सैनी जी की बात करूं तो एक गृहिणी वो है। आज मैं बात करूं रमेश पालड़ी जी की, भाई उसने पालड़ी बोलना छोड़ दो, उसको पालड़ी या यादव होने के नाते टिकट नहीं मिली। आज रमेश जी को टिकट पार्टी ने दी है तो एक फौजी होने के नाते दी है। साथियों, एक रिटायर्ड फौजी की हैसियत नहीं होगी कि वो चुनावी मैदान में लड़ने का काम करेगा। और हमारे तो हरियाणा प्रदेश का इतिहास है, अग्रवाल समाज ने जब अग्रोहा बसाने का काम किया, मेरी लोकसभा का हिस्सा है इसलिए इतिहास मेरे को याद है। साथियों, उस अग्रोहा धाम को जब बनाया गया तो एक मुहिम चलाई गई अग्रवाल समाज के और गांव के लोगों के बीच में कि हमें हमारे इस धाम को बनाने के लिए सहयोग चाहिए। मगर सहयोग कोई मोटा नहीं मांगा कि 50,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। उस समय एक बात कही गई कि 1 रुपए का नोट और 1 ईंट के साथ इस धाम को सबके सहयोग से हम बढ़ाने का काम करेंगे। और आज भी जाकर अग्रोहा में देख के आओ, वो पुराना 1 रुपए का नोट और छोटी छोटी जो ईंटें उस समय यूज होती थी आज भी उस धाम में पड़ी है। साथियों, 1987 वाला चुनाव था, चौधरी देवीलाल के पास कोई पैसों की गठड़िया नहीं थी, उनने नारा दिया था भी 1 वोट और 1 नोट के साथ अपने हर उम्मीदवार का साथ देने का काम करो। और मैं निवेदन करूंगा कि आज मौका है अपने उस वोट की नोट की ताकत को दिखाने का। साथियों, आज मौका है अपनी शक्ति को दिखाने का। एक चीज जो पिछले 3 महीने से कहीं ना कहीं पत्रकार साथी भी बारी बारी ले आते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार तो हरियाणा का चुनाव 370 पे लड़ा जाएगा। साथियों, 370 का हम सलाम करते हैं कि उसको हटाया, क्योंकि अगर सबसे पीड़ित कोई प्रदेश था 370 की वजह से तो हरियाणा प्रदेश था। साथियों, आज किसी गांव में चले जाओ, शहीदों की मूर्तियां खड़ी है। आज हरियाणा की धरती पर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसका लाल हमारे बॉर्डर पर शहीद ना हुआ हो। साथियों, आज तो हमें जरूरत है कि देश की सरकार जो 370 हटाने की बात करती है, इस सरकार को तब मानेंगे जब ये सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश के लालों का खून बहने से बंद कराने का काम करेगी। आज भी आतंकवाद का अड्डा जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो कागजों में आज हमारा है, पीओके अभी बाकी है। साथियों, एक एक हरियाणवी आज इस सरकार के साथ खड़ा होगा, एक एक बेटा जो बॉर्डर पर फौजी बनकर खड़ा है वो इस सरकार के मोदी जी के साथ खड़ा होगा जब ये सरकार पाकिस्तान के पीओके को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम करेगी। साथियों, एक चीज जरूर हमें समझनी है कि आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति हो, अशोक लीलैंड हो, हीरो हो, होंडा हो, कोई कंपनी देख लो, ब्रिटेनिया ने तो एक आर्टिकल ये दिया कि हमारे 5 रुपए का बिस्किट पार्ले जी वाला भी बिकना कम हो गया। ऐसी हालात प्रदेश और देश की है। इस अर्थव्यवस्था की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती,
आज तो इनके मंत्री संतरी कहते हैं कि गाड़ियां न्यू नहीं बिक्री कि टैक्सियां चलने लगी। आप मुझे बताओ कि सरकार की सोच इसका मतलब यह होगी कि कोई गरीब बच्चा टैक्सी चलाता है तो उससे टैक्सी चलाने का भी अधिकार छीन लो कि प्राइवेट गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये टैक्सी चलाने वाले अगर साधन की वजह से रोकते हैं तो ये सरकार से पूछना चाहूंगा, ये नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, कटे चलान नहीं कटे बता दो। मैं तो देख रहा था फतेहाबाद के अंदर एक ट्रैक्टर का 57,000 का चलान कटा, गुड़गामा में 67,000 का और फरीदाबाद में 71,000 का। साथियों, मुझे वो दिन याद आ गया जब इस ट्रैक्टर को कमर्शियल किया जा रहा था और आप लोगों के हौसले से वो ताकत मिली और पार्लियामेंट के अंदर उस ट्रैक्टर को बाड़ के वापस गाड़ा बनाने का काम किया। मगर साथियों, आज दुख होता है कि ऐसे सांसद पार्लियामेंट में चुनकर गए जिनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं है पार्टी हाईकमांड के आगे कि इस गाड़े ने तो बख्श दो। अभी निशान सिंह जी कह रहे थे कि मोटरसाइकिल का चलान काट दिया। साथियों, 20,000 के मोटरसाइकिल सेकंड हैंड पे 25,000 की रसीद कटानी पड़ जाए तो आदमी बाड़ेगा नहीं उस मोटरसाइकिल को, तो क्या करेगा? आप खुद सोचो कि 25-25,000 के मोटरसाइकिल के चलान कट रहे। पिछले दिनों एक ट्रांसपोर्टर आया, उसने अपना चलान दिखाया कि मेरे ट्रक का चलान 1,21,000 रुपए का कटा। साथियों, इसका मतलब तो मोदी जी ने अर्थव्यवस्था के अंदर जो गिरावट आई है उसकी भरपाई भी आम आदमी से लेनी शुरू कर दी। ये चलान भी हमारे ऊपर एक नए तरह का कर लगाने का काम किया है। और साथियों, अगर ये लोग सत्ता में रहे तो ये गारंटी है कि, मैंने बुलंदशहर की एक न्यूज पढ़ी थी जहां पर एक बैलगाड़ी पे 1,000 रुपए का चलान काट दिया गया, फिर वो समय भी दूर नहीं कि अपने वर्ग के कोई मानस सड़क पे चप्पल पहन के घूम रहे होंगे तो उसका भी ये बीजेपी वाले चलान कटाने का काम करेंगे। साथियों, ये वादा मैं करता हूं कि जिस दिन प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनते सार इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में पूरी तौर पर समाप्त करने का काम करेंगे। मैं तो खट्टर साहब के बारे में भाषण पे तो ज्यादा ना कहूं, चार लाइनें लिख के लाया था, आराम से सुन लियो। खट्टर साहब, ये आपको समर्पित करता हूं। 80 में से 78 भार वालों को रोजगार, फिर भी हौसले से कहते हो 75 पार, फरसे से गर्दन पर वार, फिर भी कहते हो 75 पार, पीएचडी पास को लगा दिया चौकीदार, फिर भी कहते हो 75 पार, 80 लोगों को गोलियों से दिया मार, फिर भी कहते हो 75 पार। साथियों, 29 दिन रह गए, हो जाओ तैयार, इबके भाजपा ने कर दे हरियाणा ते बाहर।